कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं कैंथल के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बागडा डैम का पानी खत्म हो जाएगा, जिस कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों को बिजली और पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाखड़ा डैम का निर्माण करवाया जाने के बाद यह पहली बार है कि डैम के भीतर का पानी खत्म होने के कगार पर है। सुरजेवाला यहां अग्रवाल धर्मशाला में युवा नेता नरेंद्र सीड़ा और दलबीर नैन द्वारा आयोजित सभा संबोधित कर रहे थे। भाखड़ा डैम में पानी घटने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए सुरजेवाला ने कहा कि दो दिन में वे इस मामले को आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखेंगे और भाजपा सरकार की नालायकी का पर्दाफाश करेंगे। आज दो इलाके के महत्वपूर्ण युवा नेताओं जिनकी दशकों से जमीनी पकड़ गुला चीका और पूरे कैथल के इलाके के अंदर है, उन दोनों ने, भाई नरेंद्र ने और भाई दलबीर ने, आज कांग्रेस पार्टी का परचम इस इलाके के अंदर पुरजोर तरीके से लहराया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर, व्यक्तिगत तौर से मेरे अंदर उन्होंने जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मेरे दोनों भाइयों का धन्यवाद दूँ। मुझे ये उम्मीद है कि इन दोनों साथियों के का साथ लेकर हम गुला चीका के इलाके को, ये पहले भी सत्ता लोलू बंधन था और लोगों को बहकाने, भटकाने और लटकाने की मोदी जी की पुरानी आदत है। चार साल सत्ता के मजे लूट लिए, अब जनता के वोट जम्मू कश्मीर को दिखाकर फिर ले लेंगे और उसके बाद फिर पीडीपी जैसी पार्टी से समझौता कर लेंगे। अब ये लोगों को देखना है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो वीरता से, बहादुरी से भारत माता की हर रोज रक्षा करते हैं और सीने पर गोली खाकर आते हैं परंतु भारत का झंडा नहीं झुकने देते, उनकी वीरता के साथ कल की तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इसके सामने नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी